राघव जुआल के साथ आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती ही रहती है। अब भाई मुद्दा गरम है उनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर। देखिए राघव कुछ ना कुछ तो ऐसा कंट्रोवर्शियल डालते रहते हैं, कभी मोदी की बुराई की, कभी अमित शाह की बुराई की, कभी पूरी की पूरी सरकार की बुराई की, और ये सारी चीजें जो होती हैं वो अपने प्रोस्पेक्टिव से बताते रहते हैं। कोविड में जो हुआ, जिन लोगों की मदद की, जिन लोगों की मदद नहीं कर पाए, बेचारे को खूब तालियां भी मिलती हैं और खूब गालियां भी मिलती है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की थी, मैं पोस्ट आपको पढ़ के बता देता हूँ। पोस्ट में उन्होंने एक औरत की तस्वीर शेयर करी जहां पर औरत एक बैनर पकड़े हुए है और वहां पर लिख रखा है कि देखिए, सो ए वुमेन लिविंग हर होम आफ्टर मैरिज इज ट्रेडिशन, कि भाई ट्रेडिशन है एक औरत शादी के बाद अपना घर छोड़ देती है, पति के घर जाती है। बट ए मैन लिविंग इज होम आफ्टर मैरिज मीन्स सी स्टोल हिम, भाई औरत के बहकावे में आके घर छोड़ के चला गया। तो भाई इसका हिंदी मतलब यही है कि शादी के बाद लड़की घर छोड़े तो एक ट्रेडिशन होता है, रिचुअल्स होते हैं कि भाई हमारे समाज का ये नियम है। लेकिन अगर लड़का घर छोड़ जाए शादी के बाद तो बोलेंगे कि भाई डायन पत्नी आई है, माँ बाप के साथ नहीं रहने देती। तो इस बात पर पूरी की पूरी जो मैनहुड कम्युनिटी है, जो सो कॉल्ड मैन है, वो भड़क गए कि भाई तुमने मर्दों के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो हमारे धर्म में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। और भाई राघव ऐसे इंसान है जो गाली देते वक्त नहीं लगाते, तो भाई साहब रिप्लाई भी कुछ ऐसे ही कर देते हैं, जिसको लेकर इंस्टाग्राम पर काफी गर्मा गर्मी हो रखी है। लोग राघव को गलत बता रहे हैं, और राघव का कहना है कि भाई साहब क्यों गलत चीजों का साथ देते हो, अब जो फैक्ट है सो फैक्ट है। इसको लेकर काफी लोग इनकी सपोर्ट में, काफी सारी सेलिब्रिटीज के कमेंट आए हैं कि वी आर विद राघव, हर मर्द ऐसा होना चाहिए। तो कुछ लोग गालियां दे रहे हैं इवन सेलिब्रिटीज भी। अब ये तो आपको पता है कि राघव के खिलाफ कितने सेलिब्रिटी हैं, कितने उनके साथ हैं। मैंने वीडियो भी बनाकर डाल रखी है जहां मैंने बता रखा है, दो पार्ट बनाए हैं कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो राघव के साथ काम नहीं करना चाहते और जो करना चाहते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी डाल दिया जाएगा, ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग राघव को देशद्रोही बताते हैं, देश के खिलाफ बोलने वाले बताते हैं, तो मैं आपको बता दूं, राघव ने इसी पोस्ट के ऊपर एक और पोस्ट शेयर की है जो कि उत्तराखंड से आई है। वहां छोटे छोटे बच्चे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो राघव की ही फाउंडेशन है ये, राघव ही इन लोगों की मदद कर रहे हैं। और इस वीडियो के नीचे आपको साफ साफ दिखा मिलेगा सपोर्टेड बाय राघव जुआल एंड फ्रेंड्स, देहरादून स्किल डेवलपमेंट सेंटर की ये वीडियो है। तो जो लोग भी बोलते हैं कि यार राघव देश के खिलाफ है, तो प्लीज आप ये वीडियोस भी जरूर देखिएगा, बस ये वाली वीडियोस ही ना देखें जहां वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आदमी सच के साथ हमेशा खड़ा रहा है और शायद रहेगा भी। अगर आप राघव जुआल के फैन हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी टीम को सपोर्ट करते हैं, तो यार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए टीम आर, यानी कि टीम राघव। अगेंस्ट है तो कुछ भी लिख दीजिए, उस चीज का भी आपको जवाब मिलेगा, सही तो सही, गलत तो गलत। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं। ऐसी वीडियोज हर रोज आती हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। और मैं मिलता हूं आपसे कल, तब तक आप सभी को अलविदा।